नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा SI का जो एग्जाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की हम आंसर की लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 315 में। कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारी शैलजा। अगला प्रश्न, एक कथन दिया गया और पूछा गया है किसका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है, रेफरेंडम को। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीला खेड़ी में। अगला प्रश्न, गेहूं की फसल को बोते समय तापमान चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट होगा। हरियाणा कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जाती और लाई जा रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृषि की भूमि की खरीद। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया, 7 जनवरी 1986 को। हरियाणा में बन संतोर किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा में आधी या अंत में पहुंचा सकते हैं, होम एंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, डैश सॉफ्टवेयर टैक्सेस टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेट या ब्रोशर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न, जेनेरिक शब्द डैश हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइस। अगला प्रश्न है, बैकस्पेस कुंजी कर्सर के डैश के अक्षरों को मिटाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाएं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये सर्वर क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। अगला प्रश्न, डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस। अगला प्रश्न, रीजनिंग से पूछा गया, यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड ऑप्शन नंबर 4 होगा, बी। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को कहा जाता है बुंदेस्टाग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी, 58 में। वेब, अगला प्रश्न है, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 360। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है, मार्शल आर्ट व लोक कला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किम्बर्ले किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान के लिए। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई, 1860 में। भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6 अगस्त 2019 को। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराधी की जांच सूची में अपनाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन है, श्री सोली सौरभ जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, TN शेनन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई, ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। वल्थोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, मैथ से पूछा गया, तो इसका सही जवाब होगा परिवार के कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई, ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला प्रश्न है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, नेल्ली कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। महमूद गदनवी ने हरियाणा के थानेसर पर किस सन में आक्रमण किया, 1014 ईस्वी में। अंधकार अनुकूल समय डैश की कमी वाले रोगों में बढ़ जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया, 2008 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को लागू किया गया। हितेश की आयु दी गई है और इसमें पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है, यदि सफेद को नीला, रीजनिंग से पूछा गया, तो इसका पूछा गया कि मानव रक्त का रंग क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। अगला प्रश्न है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 26। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2500। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी, 52वां। इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न में सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर ए, 7।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई? ऑप्शन नंबर ए 2। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, 1857 के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, वह स्थान है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार, बर्मा। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि किसने त्याग दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर। हरियाणा में राय बहादुर का खिताब कौन सम्मानित हुआ? सर छोटू राम, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने महासागर कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? ऑप्शन नंबर ए तरावड़ी पर। कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद। हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म एनएस की अभिनेत्री कौन थी? इसका सही जवाब NH10 की अभिनेत्री थी अनुष्का शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई के पिता का क्या नाम है जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा SR बोम्बई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रिया मलिक ने। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुरसला वेंकट सिंधु। अगला प्रश्न है, खेलो होबे किस राज्य के द्वारा चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री हैं या खत्री से अभिप्राय है? जाति का नाम या समुदाय का नाम। हरियाणा में गो सेवा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरवन कुमार गर्ग। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18वें क्रम के। उत्तराखंड राज्य में कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रतन लाल कटारिया। हरियाणा के गृह मंत्री की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वे अविवाहित है। कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ब्लॉक। ऐसा या ऐसी कौन सी नेता या नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रही हैं और बाद में देश की प्रधानमंत्री बन गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। और जिसका सही जवाब हमें नहीं पता है उसका हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको एक भी प्रश्न का आंसर गलत पता चले। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा एग्रोगस हिरकस। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से मगर पुलिस जिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हांसी। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का अर्थ है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर सी नवराज सिंधु। हरियाणा के किस भूतपूर्व DGP की हाल ही में मृत्यु हुई? लक्ष्मण दास, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा पुलिस का मोटो ये कांस्टेबल में भी पूछा गया है, दो बार पूछा गया प्रश्न है, सेवा सुरक्षा सहयोग, ऑप्शन नंबर बी। परमेश्वर में समास है कर्मधारय, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे यौगिक। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका सही जवाब होगा अयोग्य व्यक्ति को उच्च पदक मिल जाना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक। कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्म। विश्वामित्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए विश्व प्लस अमित्र। अगला प्रश्न इंग्लिश से पूछे गए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज एट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब, हिज हॉर्स रन्स स्लो ऑफ ऑल इन द ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर। अगला प्रश्न है, डू यू वॉन्ट सम हेल्प, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और आगे के प्रश्न मैथ से पूछे गए, एक विद्यार्थी में से किसी का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया लेकिन उसने 5/6 ज्ञात कर दिया और उसका उत्तर 250 अधिक था, तो संख्या है ऑप्शन नंबर बी 480। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करनी थी और चौड़ाई में कमी करनी होगी जिसके क्षेत्रफल में परिवर्तन न आए थे, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 9/1/11। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 336। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 14/19।
निम्नलिखित में से इतने क्या जोड़ा जाए कि 9 से भाज्य बन जाए, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठोस में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और कोयला तीनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और